बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आज हम आपके साथ मज़ेदार रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन पुलाव। मटन पुलाव का नाम सुन के वैसे ही मुंह में पानी आ जाता है। तो आए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने गोश्त किस तरह से लिया है। जिसके लिए ये 2 किलो मैंने मटन ले लिया है। हाँ जी, ये देखें, जिसमें 1.5 किलो मैंने ये रान का गोश्त लिया है, 1/2 किलो मेरे पास ये पुट और ये सीना है, 1 अदद मीडियम साइज की प्याज, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, और ये मेरे पास देसी लहसुन है। छोटे छोटे बल्ब हैं तो मैंने ये 3 ले लिए, अगर आपके पास बड़े हैं तो आप 2 ले लीजिएगा। ये ले जी, जो अदरक है इसको हमने छिलका नहीं उतारना। इस तरह से इसको मैं चट्टू में डाल लूँगी। लहसुन को भी इसी तरह से डाल लूँगी। और अब इसको हमने जस्ट 2 या 3 दफ़ा इसको सिर्फ हमने मोटा मोटा कूटना है, इसको बारीक नहीं करना, हमने जस्ट इसको तोड़ना है हमने। ये देखे जी, मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से सिर्फ इसको मैंने तोड़ा है। ये जी प्याज को इस तरह से 4 पीसीस कर लेंगे। ये आपने निकालना नहीं है, ये जो है सफ़ेद, इसको प्याज को बांधे हुए, अगर इसको आप उतार देंगे तो प्याज खुल जाएगा। पुलाव के लिए जो मसाले हैं मुझे चाहिए, 2 टेबलस्पून मैंने ये लिया है सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून फुल ये सौंफ है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 6 से 7 अदद ये बादियां के फूल हैं, 1 टेबलस्पून काली मिर्च है, इलायची मेरे पास बहुत छोटी है इसलिए मैंने 10 से 12 अदद ली हैं, लौंग जो है 1 टी चम्मच है, और ये बड़ी इलायची भी मेरे पास छोटे साइज़ की है, आप 4 से 5 लीजिएगा, ये मैंने 6 से 7 अदद ले ली हैं। और ये जी तेज़पात हैं, ये भी मैंने 5 से 6 अदद लिए हैं। एक मिक्सिंग जार लेंगे, उसमें इसको पहले पत्तों को छोटा छोटा कर लेंगे क्योंकि ये प्रॉब्लम होती है इसको पीसने में। अब ये तमाम मसाला इसमें डाल देंगे। इस मसाले को हमने फाइन ग्राइंड नहीं करना, जस्ट एक दफ़ा मिक्सी को चला के हमने इस मसाले को मोटा मोटा हमने तोड़ लेना है। अब मैं इसको ग्राइंड करती हूँ। ये देखें जी, ये मैंने इस तरह से मोटा मोटा इसको कूट लिया है। अब इसके अंदर ये 2 अदद बड़ी ये है जी दालचीनी की स्टिक, वो शामिल कर देंगे जी। अब यखनी तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने एक बड़ा पतीला ले लिया है, इसमें 3 टेबलस्पून के करीब हम ये देसी घी डाल देंगे। उसके बाद जी ये लहसुन और अदरक शामिल करेंगे, गोश्त शामिल कर देंगे, वन टेबल स्पून नमक, ये जी 3 टेबलस्पून हम इसमें ये चॉप किया हुआ हमारा मसाला, दालचीनी आपने बराबर की डालनी है, आधी इसमें रहने देनी है और आधी उसमें डाल देनी है। यहाँ पे जी अब तमाम मसाले को और गोश्त को भून लेंगे। भूनना हमने यहाँ पे इसको कलर चेंज होने तक भूनना है। ये जो मैंने मसाले और वो डाले ना, आप सोचो अभी पुलाव तैयार नहीं हुआ, इसकी खुशबू मेरे नाक के अंदर तक घुस गई है, इतनी मज़े की इसकी खुशबू आ रही है। ये बोटी कह रही है उड़ के मैं शाहिद को जाना है। देखें बोटियों का क्या हाल है, वो उड़ उड़ के खुद जा रही है शाहिद के पास। भाई ये थोड़ी देर तक दे देना मुझे, तेनू कच्ची दे देनी है तो कच्ची खा ले, बोटियां भी तेरा पता चल गया है। ये ले जी, गोश्त का कलर हो गया चेंज। अब यहाँ पे हमने
तकरीबन 3 लीटर का मेरे पास है ये जग, 3 लीटर पानी शामिल कर देंगे। पानी डालने के बाद अब इसमें जो प्याज था हमारे पास वो शामिल कर देंगे। हाँ जी, प्याज शामिल करने के बाद इसको कवर करेंगे, इसकी फ्लेम जो है मीडियम टू स्लो कर देंगे और गोश्त को गलने के लिए रखेंगे ताकि हमारी यखनी तैयार हो जाए। आपकी यखनी तैयार हो जाए? तेरी हड्डियां तेरे इतने मेरे इच नहीं ने, गोश्त भी तेरा मोटा मोटा, तेरी यखनी बहुत मजे दी तैयार हो। नहीं, कह रही हो ना कि हमारी यखनी तैयार हो जाए, तेरी मेरी दोवां दी, मेरी तो बब्बा भी छोटिया मोटिया मोटिया ही होंगी, सूप तो तेरा निकलना। हाँ जी, अब ये देखें इसमें से ये दालचीनी मैंने चुन ली है और ये 3 टेबलस्पून है। इसमें पानी डालेंगे, मिक्स कर लेंगे और इसको जब तक हमारी यखनी तैयार हो रही है इसको एक साइड पे रख देंगे। हाँ जी, 1 घंटा हो गया, गोश्त को हम चेक कर लेते हैं। ये देखें जी, गोश्त हमारा अच्छी तरह से, ये देखें टेंडर हो गया, बिल्कुल टेंडर हो गया। अब इसका चूल्हा बंद कर देते हैं और यखनी को एक साइड पे रख लेते हैं। जी, अब एक बर्तन लेंगे, 1/2 कप देसी घी का डालेंगे। ये जी, 1 बड़े साइज की प्याज ले ली है, ये प्याज इसमें शामिल करेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है हमने। ये ले जी, प्याज हमारा हो गया है ब्राउन। अब इसमें बजाय इससे कि ये जल जाए, इसमें थोड़ी सी ये यखनी शामिल करते हैं। और इस प्याज को हमने अच्छी तरह से भून लेना है यखनी के अंदर। यखनी शामिल करने के बाद 2 मिनट के बाद इसमें ये 4 टेबलस्पून मेरे पास ये दही है, ये शामिल कर देंगे, मिक्स कर लेंगे। हाँ जी, यहाँ पे जो ये गरम मसाला मैंने पानी के अंदर भिगोया हुआ था इसमें से ये पत्ते हम निकाल लेंगे, तेज़पात इस पर शामिल करेंगे और इसका पानी निकाल लेंगे। और इस गरम मसाले को आपने वेस्ट नहीं करना है, इसको मैं अभी फाइन ग्राइंड कर लूँगी। जी, गरम मसाले का ये पानी डालने के बाद इस प्याज को हमने थोड़ी देर के लिए गलने देना है यहाँ पे। हाँ जी, ये जो हमने मसाला, गरम मसाला भिगोया हुआ था, अब इसको मिक्सिंग जार में डालेंगे और इसको फाइन ग्राइंड कर लेंगे। ये आपने देखा होगा कि जो गरम मसाला हमने भिगोया था वो फूल के, वो डबल हो गया और इसकी खुशबू है ना जो कि मैं आपको बता नहीं सकती, जब ये चावलों के अंदर जाएगा ना तो इसकी खुशबू इर्द गिर्द फैल जाएगी। अब मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। हाँ जी, ये देखें मैंने इसको ग्राइंड कर लिया गरम मसाले को। अगर ये ग्राइंड नहीं होता तो 1-2 टेबलस्पून इसमें पानी डाल लीजिएगा तो ये ग्राइंड अच्छी तरह से होगा। अब इसको शामिल कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। ये मसाले को हमने 2 मिनट के लिए, 1-2 मिनट के लिए भून लिया है। अब यहाँ पे हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। गोश्त मैंने इसमें शामिल कर लिया, अब मैं इसमें यखनी शामिल कर दूंगी। ये जी, जो मसाला इसमें से यखनी में से निकाला है इसको हम वेस्ट कर देंगे। ये जी, चावलों को मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था, यखनी में उबाल आना शुरू हो गया। अब यहाँ पे हम ये चावल शामिल कर देंगे।
यहाँ पे चावलों को मिक्स कर लेंगे। ये जी एक टीस्पून मेरे पास ये जायफल और जावित्री का पाउडर है, ये शामिल करेंगे, मिक्स कर लेंगे। मिक्स आपने हल्के हाथों से करना है चावलों को। यहाँ पे मैं जी नमक चेक कर लूँगी। नमक अगर कम हो तो आप नमक इसमें शामिल कर लीजिएगा। और टेस्ट चावलों का मैं आपको बता नहीं सकती, ये जो ओरिजिनल रेसिपी होती है ना पुलाव की, ओरिजिनल जिसमें ना हरी मिर्च ना टमाटर वगैरह कुछ नहीं जाता, ये वो वाली रेसिपी है। पुलाव बड़े किस्म के बनते हैं लेकिन जो सही वाइट पुलाव होता है ना वो इसी तरह से मैं बनाती हूँ। ये ले जी चावलों में जो पानी है वो खुश्क होने हो गया है। अब यहाँ पे हम चावलों को दम लगा देंगे, तवे पे हम इसको दम लगाएंगे। ये मैं उठाऊंगी, इस तरह से। हाँ जी, यहाँ पे आपको तेज करेंगे, तवे को गर्म कर लेंगे। जैसे ही तवा गर्म हो जाएगा तो उसकी आग जो है वो बिल्कुल स्लो कर देंगे। और ये मैं रुमाल लगा दूंगी इसको ढक्कन को दम के लिए, इस तरह से। ये जी इस तरह से इसको ऊपर कवर कर देंगे और इसको 20 मिनट का आपने दम लगाना है जी। आपसे मिलते हैं 20 मिनट के बाद, कहीं मत जाइएगा अगर पुलाव खाना है तो। हाँ जी, 20 मिनट का दम हमने लगा दिया है। ये देखिए, अब मैं इसका उठाती हूँ ढक्कन। पुलाव, वाकई पुलाव बना आज, पुलाव बना और खुशबू ना आए ये तो मुमकिन ही नहीं है। ये देखिए जी, खिले खिले हमारे चावल हैं। और इस तरह से चम्मच की मदद से मैं इसको खोल लूँगी चावलों को, ताकि हमारे चावल भी ना टूटे, क्योंकि यही एक फ़न है कि चावल आपके टूटने नहीं चाहिए। और बोटियाँ भी सलामत होनी चाहिए। हाँ जी, पुलाव ना हाथ के साथ खाने में मज़ा आता है। और मैं आपको बताऊँ, मुझे ना ये सीने की बोटी इतनी पसंद है, इसके साथ जो चर्बी लगी होती है ना वो मेरी फेवरेट है, ये वाली चर्बी। गर्म गर्म आए, फड़ो आए, टूटी नहीं रही। मैं चम्मच के साथ देख रहा हूँ, मैं टूटेगी किस तरह। ये देखे, ये चर्बी वाली जो बोटी है ना, चर्बी वाली, ये मेरी फेवरेट है। पता नहीं किसी को पसंद है नहीं पर है, लेकिन अपनी अपनी फेवरेट होती है। मुझे ये चर्बी वाली बोटी बहुत पसंद है। सारों को पसंद है, सारों को पसंद है। जिस जिसको पसंद होगी वो खुद ही बता देगा कि हमें पसंद है। जेड़ियां पहले 5 बुड़कियां ले गई है वो तो दिखाई नहीं है तूने खाने से। आए 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 आए, क्या कमाल बने। ये साथ में मैंने खीरे प्याज और टमाटर का रायता बनाया है, वो मैं इसके ऊपर डालूंगी। तो नजर तो नहीं आ रहे उन्होंने। मैं खा रही हूँ, चवलियां मार रहा है मारने दे। और कुछ नहीं, नहीं बोले खाना खाना तू खा, करता रहेगा ड्रामे बाज। मुंह नहीं जिन्ना खोल ली, आराम ना सीने दी बोटी जड़ी खाई जा चुप करके, चढ़वी वाली दिमाग से चढ़वी चढ़ी है पहलवान दे खा खा के चढ़वी। मैं कह तेरी उंज तो नहीं होनी है अभी, मैं चक मार मार के मैं ही खा छड़ा। मैं कहना वो भी बीच दो चार चर्बी वाली बोटियां भी तुन जांद। ऐ बड़े रायते ते बड़ियां बुड़कियां, ऐ मेरे मेरा भी दिल कट गया हुन। आए खाए खाए, किथे जावां ते मंजी किथे डवां, इत्थे ही पड़ना। आए खाए खाए, की मटन अज मैं आए, हड्डी चेक करो जरा। आए खाए खाए खाए, क्या लग गई है यार, मैं कहता हूँ फुल टेंडर मीट हुआ हुआ है तो ये चेक सड़ गया सड़ गया सड़ गया, मैं कहता हूँ चेक करो जरा आप। वाह,
क्या कलर निकला है यार, मैं कहता हूँ आज तो वाकई सही गुलाबी गुलाबी थे, लाल लाल हो। आए आए और खोलते, आए चेक करो जरा, आए खाए 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 आए, ओए हाथ नहीं रुकना, हुन नहीं हाथ रुकना, ओए गर्म बड़ा है यार, ओए सड़ गया यार, ओए होए होए, ओए नहीं नहीं खाया जाना, नहीं खाया जाना हाथ से, चमची पकड़ता हूँ, आए खाए खाए आए थोड़ी सी बोटी, आए मलाई कोफ्ते की तरह, ये चेक करें जरा लालम लाल, ये ऊपर रखे ऐसे करके, आए खाए अब मज़े ही अपने, अब मज़े आने, आए 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 आए, आए। मुड़कनिया मुड़कनिया हड्डियां जिहड़ियां होंदियां ने ना कसम नाल सीने वाले गोशे च, ये देखो ये मुड़कनी हड्डियां ऐरे वर्गियां, जिथो मारो उथे टूट जाएगी, ऐ एंड कमाल एक की हो रही हरकत करना है, ए चोर मुंह तो खादे नहीं के ठोडी तो खादे नहीं, साफ कर ले डंगरा, यार तेरे अंदर कोई डंगर बन नहीं है, सारा कुछ मेरे अंदर ही है, हैं खाने ना ले सोचना ही नहीं, हां ਪਲਵਾਨ ਯਾਰ ਕੀ ਯਾਰ ਕੀ ਕਸਮੇ, ਹੋਰ ਕਰ ਲੈ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਮੂੰਹ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ, ਐਵੇਂ ਯਾਰ ਕੀ ਨਖਲਾ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਤਨਾ ਮਜ਼ੇ ਕਾ ਤੁਝੇ ਖੁਦ ਪਤਾ ਤੂੰ ਅਭੀ ਕਿਆ ਪਕਾਇਆ, ਕਿਆ ਪਕਾਇਆ ਅੱਜ ਕੀ ਪਕਾਇਆ ਤੇਰੇ ਪਾਰਚੇ, ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਨੀ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਗਈ, कमाल है यार, आप लोगों में से बहुत ज्यादा के सवालों ने, मैं इसलिए पहले ही जवाब दे दूं, गरम मसाला आपने वैसे भी तो भिगोए बगैर भी तो डाल सकती थी ना, ओए ओए हाँ जी भिगोए बगैर, मैं आपको बता दूं कि फूल के उसका जो अरोमा, एक चिखी सी चीज का आप अर्क जब निकालते हैं तो उसका जो टेस्ट होता है वो ज्यादा होता है, या वैसे चीज का मैंने इसलिए भगोया था कि उसका सारा अर्क गरम मसाले का निकल आए, वो फूल जाए, और ये जो बच्चे चुन चुन के ऐसे 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 चीजें इधर उधर रखते हैं ना, वो नहीं रखेंगे, टेस्ट पूरे का पूरा गरम मसाले का आपके पुलाव के अंदर रहेगा, सुट लो अंदर, घट बोलिया कर यार, दही थोड़ी और पा भगवान, मैंने डाली जितनी साइड पे डाल ले, जरूरत होगी मैं डाल लूंगी, जब तेन एनी दी इज्जत रास नहीं है, तेरे को इज्जत है, तू मैंने इज्जत, हां मैंने पता सी, मैंने पता सी इज्जत हो देंदा जिहदे को इज्जत होवे, हर वक्त मतलब बेइज्जत ना, तेरे को इज्जत है कि हां बहुत है किथे ही, ए बोटी फार मुंह पा ले, बोटी फार मुंह पा ले, चल ते मुंह बंद कर ले, चल हां ਐਲ ਐ ਵੀ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਚੱਲ ਲੈ ਜੀ ਅਬ ਮੈਂ ਆਪਕੀ ਬਾਈਕ ਲੈਣ ਲਗਾਉਂ ਬੜੀ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦੀ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਨਵੀਂ ਬੋਟੀ ਫੜਨੇ ਹੋ ਆਏ ਖਾਏ ਪਹਿਲੇ ਅੱਡੀ ਵਾਲੀ ਬੋਟੀ ਪਕੜੀ ਹੈ ਅਬ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਗੋਲ ਬੋਟੀ ਗੋਲ ਬੱਟੀ ਗੋਲ ਬੱਟੀ आए ओए आए मैं कहता हूँ चेक करो जरा चेक ओए 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 ये देखें वन टच ये देखें ये आए 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 हल्का सा ऐसे टच किया तो मैं कहता हूँ यार क्या जबरदस्त और साथ में ना मैं आपको क्या बताऊँ साथ में ये ना टमाटर और खीरे का रायता बनाया इन्होंने दही वाला आए 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 तो चस्के बड़े आने भी गर्म बड़ा है हाथ से नहीं खाया जाना इसको चम्मच ही खाता हूँ आए हाय हाय एन जी एन जी एन जी एन जी चुक लेना आए क्या जबरदस्त मैं कहता हूँ अब ये चल रहा है अंदर ओए होए दिल करता है देखता है नूं लेकिन ओए होए होए अंदर जाके की होने वाला है आए 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 हम्म
इस पुलाव को ना हजम करना भी एक काम होता है। ये देखो हाथ चिपक रहे हैं, ये हाथ चिपकते हैं। और जो असल पुलाव होता है ना, मैं आपको उसकी निशानी बताऊं कि ये जब आप हाथों से खाते हैं ना, आपके हाथ चिपकते हैं। ये देखें चावल से हाथ ही चिपके हुए हैं, वाकई सही कह रही है। ओए होए होए, जिन लोगों को पता है जो खाते हैं पुलाव, जिनको पता है वो वाकई कहेंगे कि वाकई हाथ चिपक। यार मेरे अंदर ओरिजिनल पुलाव, मेरे अंदर वैसे भी मैग्नेट है वो चो चमड़ के अंदर मेरे अंदर। तू तो यार प्लेट ही मुका गया यार, मेरी दो पुड़कियां ची प्लेट मुका गया यार, बड़ी गल है यार। तू तो सही मोटर में चढ़े है भगवान, तेरी तरह ठंडे कर लूं। और ठंडे क्या है, गरम चावल मजा ही गरम गरम का है, ठंडे कैसे कर लूं। और मेरे कहा से तू हाथ ला के खा दे जने के वो गरम चोल ले, मेरे को फड़े नहीं जा रहे। अब तू नौटंकी है, मैं नौटंकी नहीं हूं, मैंने खाना खाना, तूने नौटंकी क्या। अच्छा नौटंकी की होता है, की होता है नौटंकी, मैंने पता नहीं। पता नहीं नवे तो नवे यार अल्फाज पता नहीं कितों कट लिया नहीं यार, वक्रे जने वैसे किन्ने कर रहे ने उन्हें बुका दिते ने यार। ए जी छोटी पुटियां रह गई चीजा भी खाया, चर्बी दिया तेना नहीं पर भाई ढाडे ही काम है, खाओ खा के दे बड़ी मजे दी। नहीं खाओ खाओ खा ले खा ले, मैं कहता हूं यार जो कोई हाल नहीं, मैं तो चर्बी है दोबारा आ जाएगी, को तो आ जाएगी। ले मुंह खोल यार, इतनी नहीं है जितनी तू बनाई यार, और एक सूट है मुंह से चल खोल खोल यार खा के तो खोल ठहर जा फिर, चर्बी खा के दे क्यों, चोला दे नाल क्यों खा। नहीं चोला दे ना मजा आएगा यार, चस्का है जरा रखते सही पहलवान है, रोग ने गए चंगा सेहत लिए बड़ा चंगा होता, तेन पता ही नहीं है मेरी सेहत राजी है ना। ए वेख पहलवान है चले ही अंदर, ए निकलन लगा ही मैं फेस था नहीं चेक करी। एंड एंड यार मिक्स ही थी, यकीन मैं तो मिस करेंगी बोल। क्यों मैंने क्यों मिस करनी, खाया ही मैंने सीना सारा यार। मैं कहता हूँ तेरी सोच है जो जायका आ गया, मैं कहता हूँ यार एंड आपकी भी जो फाइल दी है ना। आए मैं खा के थक गई हूँ, थक गई बस उन्होंने, मैं थक गई हूँ। एक बड़ी जबरदस्त की जबरदस्त ही बोटी है, एक बस एक जाना नहीं अभी, एक छोटी सी बोटी बस, एक घबराना नहीं बस, एक छोटी सी बोटी है बस छोटी। आए खाए खाए बोटी चेक करो, ये चेक करो ए, मैं कहता हूँ क्या लग हो रही है यार, क्या लग हो रही है। ये बोटी का भी अपना ही मजा होना है, स्पैक क्या बात है यार, चेक करो जरा। आए 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 आए, मैं कहता हूँ यार कहाँ कहाँ से पकड़ूँ। आए हाय क्या गुलाबी गुलाबी सारा बीज में, अब मैंने ना थोड़ा सा ये थोड़ा सा बस, आए अब जो मज़े आने हैं ना अब हाथ से खाने हैं, थोड़ा सा तो फर्क पड़ गया। आए हाय 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 ऐ मज़ा आना है बाइट का, ऐ ये हाथ वाली बाइट का तो चस्का ही अपना। आए आए ए बकरे छतरे सब हजम मेरे तो हो गए नाले एंड। यार अल्फाज अब मैं वाकई थक गई हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमें कमेंट करके आपने जरूर बताना है कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, और ये बकरा पुलाव आपको कैसा लगा मुझे आपने जरूर बताना। ओके बाय, बहुत आला इसे बकरा मुझे कह रहा है। नहीं मैं पागल है तेनो, तू बकरा है तू तो गां। अच्छा मैं गां हूं, फस गई बोटी हैं देखी ना। नहीं तू ओ बैल, नहीं गां रुकी है ना, मैं भूल गई थी तू तो फीमेल थोड़ी है, तू बैल है बैल बैल। छोटा छोटा जिरा होता वे ओ वे, तू भी मेल ही है मैंनू पता है, तू पहलवान है पूरा, बड़ा भरा है मैं तेनू कहता। ओके बाय। ओके यार लेकिन ना आज जो मजा आ गया ना आपके साथ, आप सोच भी नहीं सकते, आला आला मैं कहता हूँ ये
सब कुछ हजम। मैं कहता हूँ वाकई हजम, ये मेरी सेहत से नहीं आपको लगता होगा कि मैं हजम मुजम कर जाती हूँ, अरे नाल दे बोलते ही रह जाते ने। मैं तेन यार पता नहीं मुंह चुई तो की कहते ने टिड खुई है वही है। ते तू मैंने थोड़ा थोड़ा लगता थोड़ा थोड़ा लफ्ज बोला ना, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, आज नहीं बताऊंगी। थोड़ी बड़ी इज्जत हो गई है इसकी आज के तो लिए, इज्जत है तो हुई है ना आज के लिए, इतनी काफी है तो इज्जत है तो हुई है। चल ओके बाय, मैं गल्ला करना है पहलवान बाय। वैसे ना आपने ये रेसिपी जरूर ट्राई करनी है, अंत मैं कहता हूं अंत टाटा बाय बाय, लेकिन मिस नहीं करना आपने, बहुत आला रेसिपी है। ओके टाटा बाय बाय।